हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे रेड सॉस चीज पास्ता। देखो अपना कितना अच्छे से रेड सॉस चीज़ पास्ता बनकर रेडी है। तो आइए रेसिपी देख लेते हैं। कढ़ाई रख दी है, उसमें हाफ टेबल स्पून बटर डाला है मैंने, और बटर ना जले इसलिए फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डाला है। उसमें 3 रफली चॉप टोमेटो डाल रही है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें 4 कश्मीरी रेड चिली ली है बड़ी, वो डाल देंगे, और 6 से 8 लहसुन की बड़ी कलियां। इसमें 1/4 कप पानी डालकर स्मूथ होने तक ये पका लेंगे। करके 10 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और टमाटो अच्छे से पककर रेडी है। अब मैं बंद करके इसे हम लोग ठंडा होने देंगे। टोमेटो को मैंने मिक्सी में निकाल लिया है और इसे अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 कप पानी रख दिया था मेजरमेंट कप से, इसमें उबाल आ रहा है, और ये 1 कप पास्ता लिया है वो इसमें हम लोग डाल देंगे। बूंदे तेल की डाल देंगे, फ्यू ऑयल ड्रॉप्स, और थोड़ा सा नमक इसमें मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा भी नहीं करना है, बाद में और करना है इन लोगों को। और इसे 10 मिनट के लिए, मतलब 90% पकाना है हम लोगों को, तो तब तक हम लोग पका लेंगे। पास्ता बॉईल होके रेडी है, हम लोग कट करके देख लेते हैं। थोड़ा रेजिस्टेंस रहना चाहिए, और देखो 90% तक पका लेना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। और कच्चा बना ली है हम लोगों ने, वो डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे ताकि टोमेटो जल्दी से पक जाए और ऑयल छोड़ दे। 1 स्पून शुगर भी इसमें ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। धनिया पाउडर, और इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डालना है क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं रहता पास्ता,
इसलिए कलर तो आना चाहिए लेकिन तीखा नहीं होना चाहिए। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टोमेटो पक गए हैं अच्छे से। दो टेबलस्पून मैंने यहाँ पर टोमेटो स्केचअप डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है टोमेटो। मसाले अच्छे से पक गए हैं और मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें शिमला मिर्च डालती हूँ। वैसे रेस्टोरेंट में भी मिलते हैं तो उसमें शिमला मिर्च होती है, तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। कलर बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा नहीं पकाना है शिमला मिर्च डालने के बाद। हम लोगों ने उबाल के रखा था छान के, वो मैं डाल दूँगी। इसे मिक्स करना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है। के दो मिनट के लिए हम लोगों को कुक करने देना है, होने देना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।